हेलो एवरीवन। यार मोमोज की वीडियो शूट हो गई है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो हमने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी आर श्योर के थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए होंगे कि हमारे साथ क्या स्कैम हुआ है, क्योंकि रिसेंटली हमने फोन भी लिया है और थंबनेल में फोन भी लगा है, बड़ा बड़ा स्कैम लिखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो फोन से रिलेटेड है और काफी हद तक आप ठीक कुछ भी तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आज हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये न्यू S22 अल्ट्रा लेने के चक्कर में हमारे साथ क्या क्या हुआ, और ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अगर इतनी ऑडियंस है तो हमें जरूर बताना चाहिए कि आजकल मार्केट में किस किस टाइप के स्कैम चल रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए क्या पता आपको वीडियो देख रहे हो तो पता ही होगा। यार कुछ इंपॉर्टेंट बताना, रुक जाओ ना, सीरियस हो, एक घंटा हो गया मेरे को बोलते बोलते, सीरियस हो जाओ, कुछ बताना, हंसी मजाक करे जा रहे हो। देखो आपको बताइए, हम यूट्यूब, अब आंख में कुछ एज यू ऑल नो कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस बनाने के लिए कैमरा क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हम कैमरा से तो शूट नहीं करते, हम फोन से करते हैं, बट फोन में भी अपग्रेड होते रहना। पहले हम यूज करते थे OnePlus 9 Pro, जिससे अभी भी शूटिंग चल रही है, और हमने अपग्रेड किया S22 Ultra पे, क्योंकि इसका कैमरा जो फ्रंट कैमरा है बहुत ज्यादा अच्छा है, और मेनली हमें फिर कैमरा के लिए फोन चाहिए था, इस वजह से हमें इतना महंगा फोन खरीदना पड़ा। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें फोन क्यों खरीदना था। सबसे पहले उसका रीजन आपको पता चल गया, वीडियो क्वालिटी और ज्यादा अच्छी करने के लिए। अब फोन खरीदने के लिए हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहले हमने फोन के रेट चेक किए, सारे ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर इसके प्राइसेस चेक किए, कहाँ पे कितने का मिल रहा है, क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, मतलब देखा ना, कंपेयर किया कि क्रोमा है, विजय सेल्स है, फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न है, कहाँ पे क्या प्राइसेस, जो भी हमें सबसे कलर हमें चाहिए, जो वेरिएंट हमें चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं हर जगह। रोहिणी M2K की हमने एक एक शॉप देखी है, मार्केट छान मारी हमने, ऑफर के साथ मिल रहा है और कौन सा वेरिएंट मिल रहा है, सब कुछ देखा, जो हमें चाहिए वो वाला अवेलेबल है या नहीं है, सैमसंग के शोरूम से पता किया, हर जगह हमने देखा, ऑनलाइन स्टोर्स पे तो क्रोमा में देखा ही था, ऑफलाइन स्टोर्स में भी देखा, तो हमारी ये छानबीन चल ही रही थी। अब यार कोई सामान लेना तो 10 जगह तो बंदा देखता ही है, वो भी इतना महंगा सामान, खुद के पैसों से लेना हो तो खुद के पैसों से लेना हो एक बार को तो देखते है कि यार 10 जगह देख लेते, थोड़ा सा भी सस्ता मिल जाए तो वहां से ले लेंगे। तो हमारी छानबीन चल रही थी, और छानबीन में ना हमने देखा OLX पे, अब कई लोग हैं ना जैसे OLX पे सिर्फ पुराना ही सामान नहीं बेचते, वो अपने शॉप्स वगैरह का लिंक डाल देते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे शॉप है, आप आके न्यू ले सकते हो या फिर आपको सस्ते में मिल जाएगा मार्केट प्राइस। तो हम वो देख रहे थे कि कस्टम का फोन हो या रिटेल का हो, ऐसा कुछ जो हमें, ऐसा नहीं कि बिना बिल के हमें लेना है, बिल के साथ डब्बा पैक पूरा अच्छे से मिल जाए, तो वो देख रहे थे। अब OLX पे देखते देखते हम वही फंस गए, एक बंदा था वहाँ पे रजनीश नाम से, तो उसने काफी सारे फोन्स की फोटोज वीडियोज और ये सारी चीजें डाल रखी थी, तो उस बंदे ने ना 1 लाख का फोन 85,000 मतलब 80 से 85,000 की रेंज में डाला हुआ था, और उसको देख के हमें काफी अच्छा लगा यार, सस्ते में मिल रहा है, पहले तो हमें लगा कि कहीं सेकंड हैंड तो नहीं है, फिर भी हमने उससे एक बार पूछा, हमने उससे बात बात की थोड़ी देर OLX पे कि भाई कैसे क्या सिस्टम है क्या नहीं, तो OLX पे बात नहीं की, OLX पे बस ये पूछा कि अवेलेबल है या नहीं है, उसने बोला है, उसने नंबर दिया, हमने कॉल तक पे बात की उससे, हमने कॉल पे बात की तो उसने हमें बताया, भाई समझ जाओ स्कैमर्स कितने वो हो चुके हैं। देखो अब उस बंदे ने कॉल पे बात की हमसे, तो स्कैमर तो हमें लगा ही नहीं था कि स्कैमर, काफी जनरल लग रहा था बात करने में, नंबर दे दिया उसने अपना, सबसे बड़ी बात तो स्कैमर नहीं लगा, हमें कॉल पे बात की हमने उससे, उसने बोला कि अवेलेबल है। यूजुअली जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपए की, और हम आपको है ना फोन तब भिजवा देंगे और ऐसे कर देंगे, तो इतना तो हर किसी को समझ में आता है जिसको पता है कि भाई स्कैम कैसे चलते हैं, लेकिन उसने हमसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हमने उसको कॉल किया, हमने पूछा भैया ये आपके पास अवेलेबल है, हमने उन्होंने कहा हाँ, हमने कहा कि भाई उन्होंने ना यमुनानगर डाला हुआ था, बहुत दूर पड़ता है हरियाणा में, हमारे घर से 4 घंटे का रास्ता कुछ दिखा रहा था मैप्स में मैंने देखा, तो हमने बोला भैया इतनी दूर तो अब हम आ नहीं पाएंगे, तो हमने बोला कि भैया हम ना यहीं पे रोहिणी में M2 के मार्केट वगैरह में देख रहे हैं, तो वहाँ तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको रोहिणी में अवेलेबल करा देता हूँ ये फोन, वहाँ पे मेरे है ना सप्लायर मतलब रिटेलर शॉप वाले बैठे हुए जिनको मैं होलसेलर हूँ, तो मैं रिटेलर शॉप वालों को जिनको मैं फोन देता हूँ ना अपने, तो उनको दिला दूंगा, और आप उनके पास चले जाने ये बोल के कि आप मेरे नोन हो, और वो आपको सस्ते में दे देंगे 85 की रेंज में, आप तो सस्ते में, इतना अच्छा ऑफर 15,000 रुपए लेस में कोई बंदा छोड़ेगा जल्दी से, ज्यादा भी नहीं था कि 50-40 में दे रहा हो, तो हमें शॉक, हमें लगा कि सच्ची में भाई डिटेल वगैरह का कुछ होगा कि चल 1,85,000 तक में तो हमें मिल ही रहा है ना, तो हमें लगा कि हाँ भाई सही होगा। तो आगे ये हुआ कि उस बंदे से हमने कॉल किया, उससे बात की, उसने अब देखो शक कहीं पे भी शक नहीं हो रहा, उससे हमने पूछा कि भैया हम पहले पे नहीं करेंगे आप, मतलब क्या कहते हैं, पीछे से शोर आ रहा है, हम पहले पे नहीं करेंगे, आप हमें बॉक्स दिखाओगे, पहले फोन खोल के दिखाओगे, फिर उसके बाद हम पे करेंगे।
मान गया अगला, मान गया उसने, बोला कह जब आपके हाथ में फोन आ जाए ना, कहता तब आप पैसे देना और जब आप बिल विल सारी चीज चेक कर, सारी चीजें देख लो तब आप पैसे देना। फिर और ना दो दिन था पूरा हमारा, मतलब जैसे आज रात को हमने उससे पूछा ना तो अगले दिन हमें लेने के लिए जाना था, और दो दिन के बीच में एक बार भी उस बंदे का फोन नहीं आया हमारे पास, हमें लगे कि वही हमारे पीछे पड़ रहा है कि हाँ भाई फोन लेना है, लेना नहीं आपको फोन, एक बार भी उसका फोन नहीं आया। तो हमें लगा कि चल ठीक है, वैसे हम मार्केट में जाके देख रहे थे और कहीं ना कहीं काकू को ना लग रहा था अंदर से फीलिंग, अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि ये बंदा है ना मतलब स्कैमर टाइप का हो सकता है, पर उसने वो ऐसा हमें रीजन ही नहीं दिया। वो होता है टू गुड टू बी ट्रू वाली डील लग रही थी कि मतलब यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये सारी चीजों में हाँ कर रहा है। हमें लगा कि शायद सच्ची में हमारी किस्मत अच्छी हो के भाई हमें सस्ते में मिल रहा हो। काकू ने डाउट किया लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि हमें कोई जाते हैं उनको पैसे थोड़े ना पकड़ाने, वो कह रहे हैं ना फोन आप आराम से देखना। फिर हमें लगा और शॉप बता रहा है वो स्पेशली कि आपको प्रॉपर शॉप वगैरह बताऊंगा, शॉप पे जो बंदा वो भी उसका नोन है वो ये बता रहे। तो हमें लगा कौन से फोन होते हैं डेमो वाले या रिफर्बिश्ड या फिर टूटा हुआ यूज किया हुआ फोन ना हो, सील पैक्ड हो पूरा। हमने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, उसने बोला कि आपको रिफर्बिश्ड भी नहीं देंगे, ओरिजिनल फोन देंगे आपको, पूरा ग्लोबल यूनिट वाला कह रहा वो भी नहीं देंगे आपको, ओरिजिनल मेड इन इंडिया वाला पीस देंगे आपको, बिल के साथ देंगे, वन ईयर की वारंटी के साथ देंगे और घड़ी भी देंगे आपको 3,000 रुपए और पे करोगे तो घड़ी भी देंगे। तो हमें पता था कि 3,000 रुपए और पे करने पे तो घड़ी मिल जाती है, 1,15,000 में जो आपको फोन और घड़ी मिलनी थी 85,000 में हमें वो मिल जाता अकॉर्डिंग टू हिम। ये सब हुआ, फिर हम सुबह निकल गए फोन लेने के लिए, लेकिन बीच में हमने क्या हुआ, हमारे अकाउंट में तो पैसे थे लेकिन हमारे हाथ में 20,000 जो कैश था ना वो हमको बैंक में डलवाना था, क्योंकि उसने बोला आप ऑनलाइन पेमेंट करना हमें जब फोन आपको मिल जाए, कि भाई आपके नोन है जब जिस दुकान वाले से हमें लेना हम उनको दे देंगे वो आपको ऑनलाइन पे कर देंगे। उसने बोला नहीं आप सारा का सारा मेरे को उनसे फोन वगैरह ले लेना, फिर पेमेंट मेरे को ऑनलाइन कर देना, उसमें कोई इशू नहीं, आप मेरे को ऑनलाइन पे कर देना, ठीक है। और ये भी बोल रहा था कि उस बंदे से मेरी भी फोन पे बात करा देना, तो वहां पे भी शक नहीं हुआ हमें। तो हमने क्या किया, फिर बैंक में पैसे जमा कराए हमने, अब वो अकाउंट में पैसे आने में तो टाइम लगता है, फिर वो लंच टाइम वगैरह भी हो रहा था, फिर हम स्कूटी पे चले गए वहां पे शॉप पे। अब देखो क्या हुआ, काकू स्कूटी चला रहा है, वो मेरे को बोल रहा है उस बंदे ने लोकेशन भेजी। मैंने कहा यार लोकेशन तो नहीं भेजी लेकिन एक मैसेज भेजा हुआ है, वो ना डिलीट फॉर एवरीवन कर रखा है, फिर उसने व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर रखी है। फिर हमने फोन रख दिया, हमें ये था रोहिणी में, उसने बोला है कि रोहिणी के एरिया में ही, तो M2 के तक तो हमें रास्ता पता है, वहां तक चले जाते। फिर काकू ने थोड़ी देर बाद मेरे से दोबारा पूछा, मैंने कहा लोकेशन भेजी, फिर काकू को मैंने बोला, मैंने फोन देखा उसके मैसेज में, मैंने कहा दोबारा मैसेज तो डिलीट कर रखा है, दोबारा से एक मैसेज भेजा होगा, फिर वो मैसेज भी उसने डिलीट फॉर एवरीवन कर रखा। मैंने कहा रुको क्या अब तक क्या हो क्या ना हो भेज रहा होगा। फिर काकू ने दोबारा पूछा, तीसरी बार मैसेज पूछा, फिर मैंने देखा, फिर उस बंदे ने एक लोकेशन भेजी हुई थी, कोई प्रॉपर शॉप की थी ऐसी कोई लोकेशन थी, तो उसमें फिर मैंने लिखा भैया ये प्रॉपर लोकेशन है ना, मतलब यही है ना सही, कभी आप डिलीट फॉर एवरीवन दोबारा से करो, तो उसने बोला नहीं यही सही लोकेशन है। तो मैप लगा के हम चले गए लोकेशन की तरफ, उसने कहा मैं आपको आसपास की लोकेशन बताऊंगा, लेकिन रोहिणी के आसपास की लोकेशन बताऊंगा, लेकिन उसने हमें पता नहीं रोहिणी के कौन से 13-14 सेक्टर में भेज दिया। नहीं गए थे हम वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एरिया अच्छा था, एरिया बहुत अच्छा था, और आप देख के शक नहीं कर सकते, आसपास सारी फोन वगैरह की ही शॉप थी, जो पूरे शोरूम्स वगैरह ही थे सारी जगह पे। तो हम पहुंच गए वहां पे जैसे जैसे मैप लगा लगा के, तो फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको फोन करा कि भैया ऐसे ऐसे हम बाहर खड़े हुए हैं, जो लोकेशन आपने बताई थी हमें शॉप की लोकेशन बताओ आप कहाँ पे। तो उसने कहा मैं आपको रुको फोन करवा के कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। तो अब हमें ये भी शक नहीं हुआ कि अगला कॉन्फ्रेंस पे भी ले रहा है जब बात करने में, तो मतलब ओनर भी वही सही है, और आसपास ऐसी कोई दुकान भी नहीं, हमें लगा था कि क्या पता ऐसी कोई दबी दबी सी ऐसी दुकान हो पुरानी सी, तो हमें देखते ही शक हो जाएगा कि भाई ये क्या फेक बंदा है कुछ ऐसा है। दुकान वाले भी दुकान एकदम जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चमकती हुई दुकान ऐसे चमक रही थी बिल्कुल, शोरूम पूरा उन्होंने सामने डिस्प्ले में सारे फोन लगा रखे महंगे महंगे जितने भी फोल्ड वोल्ड आईफोन सब कुछ। हम जिस दुकान के आगे खड़े हुए थे ना वहाँ पे हमने उसको कॉल किया था कि भैया गए, तो उस बंदे ने जो ओनर है दुकान का उसके साथ कॉन्फ्रेंस में लिया था। तो जहाँ हमने स्कूटी रोकी थी ना लोकेशन खत्म हुई थी, उससे 3-4 शॉप आगे वाली शॉप थी, तो उस जो ओनर है ना शॉप का उसका ही एक वर्कर था वहाँ पे काम करने वाला, बाहर आया उसने हमें बोला कि हाँ आप मेरे को दिख रहे हो, आप यहाँ पे आ जाओ शॉप के आगे आ जाओ। अब देखो हम आ गए आगे, ठीक है हम आगे आ गए, ठीक है। अब हम गए शॉप में, वहां पे एक बंदा पहले से फोन देख रहा था और वो S22 अल्ट्रा ही देख रहा था, और जो ओनर अपना फोन यूज कर रहा है ना वो भी S22 अल्ट्रा वो डेमो वाला ही यूज कर रहा था, ठीक है। तो हमने बोला ऐसे, अब उस बंदे ने हमें एक बोला था OLX वाले ने, रजनीश ने,
आपको शॉप पे जाके उनसे कुछ भी बात करनी, मतलब कुछ भी बात नहीं करनी। उसने इतना क्लियर कट बोल दिया, ऐसे जिप लगा के फेंक दो बस चाबी, आपको कुछ नहीं बोलना। उसने बोला कह रहा आप उनसे बस फोन लेना पहले, हाँ। मेरे को एक बारी भारी पेमेंट कर दो। कह रहा आपने अंदर जाके फोन देख लिया? हमने कहा हाँ देख लिया। तो उसने कहा वापस अंदर मत जाना शॉप के, और है ना आपने मेरे को है ना पहले ऑनलाइन पे कर दो, और फिर उसके बाद आप बस अंदर जाओ, आपको वो बिल बना के और आपके हाथ में फोन वोन देके पकड़ा देंगे। कहने का मतलब ये था, आप शॉप पे गए, अंदर आप गए, आपने फोन देखा, हांजी देख लिया, हम बाहर आ गए, फोन किया, हांजी हमने फोन देख लिया, वो कह रहा है मेरे को ऑनलाइन पे कर दो, हांजी हमने ऑनलाइन पे कर दिया, आप अंदर जाओ, हांजी हम अंदर गए और ओनर ने हमें हाथ में डब्बा दिया फोन का और हम बाहर आ गए। अकॉर्डिंग टू हिम हमें ऐसा करना था, और ओनर के साथ हमें से भी नमस्ते तक भी नहीं करना था, बात नहीं करी थी। उसने बोला कि आप मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? उसने कहा ये मेरे होलसेल के वो हैं, मैं मतलब इनको होलसेल में सारा माल पकड़ाता हूँ, और आप है ना इनसे मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? बार बार आप सारी डिटेल्स इनसे मांगोगे, ये करोगे, हाँ, करोगे। जानते हैं जानते बंदा फेक है, नहीं है, कहते मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे वो इतना सामान उठाते हैं मेरे से, ये वो ऐसे बोला। तो हम अंदर गए, ठीक है, अब वहां पे वो कोई बंदा फोन देख रहा था, और उसने बोला कि ना, हमने बोला ऐसे दब दब के ऐसे बोला, मैंने कहा यार बोल भी नहीं सकते, हमने बोला भैया हाँ वो ना वो S22 Ultra, बस इतना भैया लेना है, दिखाना है, किसी से बात हुई है, हाँ। डब्बा दे, कुछ नहीं भैया वो S22 Ultra उन्होंने दिखा, हाँ। दिया बहुत, उन्होंने बोलते दिखा दिया, और ये फोन है, हमने कहा भैया बात हुई थी आपकी? कहते हाँ बात वगैरह हुई है। तो उसने फोन दिखा दिया, हमने देख लिया फोन, तो यार इतनी जगह 10 जगह हम कल से देख ही रहे हो, फोन तो देखा ही हमने। तो उसके बाद उसने फोन दिखाया, हमने बोला ठीक है, फिर रख दिया हमने फोन। मैंने कहा भैया वो वॉच भी कह रहे थे साथ में, तो कहते हाँ वॉच आप $3,000 अलग से पे करोगे तो आपको वॉच भी मिल जाएगी। उन्होंने ऐसे नहीं बोलता, कॉल वाले OLX वाले बंदे ने हमें बोला 3000 अलग से पे करोगे। मैंने सिर्फ ना ओनर को ये बोला भैया वॉच दिखा दो, वॉच आप कह रहे थे, उन्होंने वॉच भी दिखा दी। अब देखो हमें ये शक कि वो बंदा हमें नकली फोन देगा क्योंकि सस्ते में दे रहा है। मैं सील चेक कर रहा हूँ वारी वारी फोन की, मैंने कहा सील तो नहीं, और मैं बाहर जाके मेरे अकाउंट में पैसे चेक कर रहा हूँ कि आए नहीं आए, क्योंकि हमें ऑनलाइन पे करने हैं, काकू बाहर पैसे चेक कर रहे हैं, और मैं शॉप पे खड़ा हूँ, मैं शॉप पे हूँ अंदर, और फिर मैं फोन देखू, मैंने कहा रिफर्बिश्ड फोन भी नहीं है, टूटा हुआ भी नहीं, मैंने अंदर जाके देखा फोन तो नहीं है, पूरी पैकिंग लगी हुई है, जो हमें फोन के अंदर जैसे सैमसंग S22 Ultra में 2 प्रोसेसर आते हैं, एक एक्सिनस आता है, एक स्नैपड्रैगन आता है, हमने उनसे पूछ लिया, वो कह रहे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, वो भी चेक कर लिया, टूटा हुआ भी नहीं है, चोरी का भी नहीं लग रहा, कुछ टूटा हुआ तो खैर हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो सील पैक मतलब फोन है, तो कैसे टूटा हुआ लगे, या फिर ऐसा कुछ लगे कि भाई कुछ पुराना सा। घड़ी दिखाई, घड़ी देख ली, अब घड़ी भी सील पैक है, हम देख रहे हैं नकली कहाँ है, इसमें नकली ढूंढो, मैं नकली कहाँ है, 15,000 रुपए क्यों सस्ता दे रहा है इस फोन में, हाँ। दिक्कत क्या है जो 15,000 रुपए सस्ता, हाँ। दे रहा है। तो फिर उसके बाद ये और वो कौन सा मेरा फूफा लग रहा है कि वो भी इतने सस्ते में दिला देगा एकदम से, अपना जो होलसेलर रिटेलर जो भी है वो बंदा जो सारा उठाता है उसको तो वो धोखा दे सकता है, हम OLX पे आज मिले लेकिन हमारा वो इतना सगा हो गया, हमने सोचा क्या पता हमारी ही ज्यादा अच्छी किस्मत हो कि वो हमें ऐसा बंदा मिल गया हो एक तरीके से। बहुत देर हो गई, पैसे आ नहीं रहे, ठीक है, अब हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, क्यों फोन हमारे सामने है, फोन हमें लेना है, हम पैसे अरेंज कर रहे हैं। काकू ने एक दो जगह फोन किया, जैसे हमारे नोन है जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, मतलब अभी हमें ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, हम फोन लेने के लिए आए हुए, हमारे पास कैश है, और वो मना कर रहे हैं कि भाई कैश नहीं चलेगा, आप मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर करो, तो हमें बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए थे क्योंकि वो हमने जो डलवाया वो आने में टाइम लगेगा। अब हम वहाँ बाहर दोनों फोन में इधर से उधर, बीच में उस रजनीश का OLX वाले का भी फोन आ रहा है, दुकान वाले अंदर से हमें देख रहे हैं, वो भी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, वो मेरे को ऐसे वो होते ना तिरछी नजरों से वो दुकान वाले मेरे को देख क्यों रहे हैं। जब हम बहुत देर तक बाहर खड़े रहे ना, तो वो दुकान वाले के पास हमने 2-3 बार बात करी, तो उसने हमें पता है क्या बोला, उसने हमें बोला कहता आप इनको जानते हो जिनसे आपकी बात हो रही है, तो अब उस बंदे ने तो हमें बोला है कि आपको ऐसे नहीं बोला था, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला था आप जानते हो, आपने बोला हाँ हमारे नोन है, क्योंकि उस बंदे ने हमें बोला ना कि आप अगर अंदर बताओगे ना तो वो आपको सस्ते में ही देंगे, क्योंकि वो तो मेरे रिटेलर के बाहर है, मैं तो उनको महंगे में बेचता हूँ और आपको सस्ते में क्यों दे, वो सही बात है, वो अपना बेचेगा तो वो महंगे में बेचेगा, जो मेरे से प्राइस में उठाता वही प्राइस आपको क्यों देगा वो। तो फिर ये हुआ, तो वो दुकान वाला बोलता हमें कि ना आप जानते हो ने, अब हम झूठ कैसे बोले कि हम तो ऐसे ऐसे है, हमने बोल दिया हमारे नोन है, हमने बोल दिया, हमने स्टोरी बना के बोल दिया कि हमारे फ्रेंड के नोन है, हमारे फ्रेंड भी उनसे फोन पैसे वैसे लेता है वो, सॉरी फोन लेता है, ठीक है, तो उसने भी अब इतना शक नहीं किया हम पे। फिर मैंने ना मेरे को कहीं ना कहीं रहा डाउट आया, काकू ना बाहर फोन पे बात करा पैसे वैसे की, वो बारी बारी चला गया फोन पे देखने के लिए, अंदर
बाहर जाना ना इतना लगा रहा, फिर ना कि वो फोन वाले भी देखने लग गए जो सारे स्टोर के अंदर थे, क्या बात हो रही है क्या नहीं। काकू बाहर गया, अब उसने अपने मौसा जी से पैसे बोले कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए, तो उन्होंने 20,000 वो काकू के अकाउंट में जमा करा दिए। ठीक है, तो हम फिर शॉप से बाहर आ गए कि भाई कैसे पेमेंट करनी है कैसे नहीं करनी, क्योंकि मौसा जी ने थोड़ी देर बाद डलवा दिए थे पैसे। तो लेकिन उस बंदे ने मेरे को ये बात बोली कि आपको है ना मैं ना पेटीएम नंबर दे देता हूँ, आप इस पे पेटीएम कर देना। अब मेरे को ना शक हुआ था काकू उस टाइम पे, मैंने कहा ये नंबर देगा बंदा, और मैं ना जल्दी से काकू के फोन में होता नहीं, ट्रू कॉलर मेरे में होता है, मैंने कहा ये नंबर देगा बंदा, मैं ना जल्दी से ट्रू कॉलर पे सर्च कर लूं, पहले ही पता चल जाए मेरे को कि ऐसे। और पता आपको, हमने ये भी सोचा था अगर वो शॉप का नाम बता देते ना, जैसे मान लो कोई भी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी शॉप का नाम है, तो यूट्यूब पे डालेंगे दिस शॉप का नाम और फ्रॉड केस ऐसे कुछ करके, कि वहां से भी पता चल जाए वो भी ऐसा कुछ नहीं, शॉप ही हमें इतनी बढ़िया लगी। फिर उस बंदे ने हमें नंबर दे रहा था ना, फिर वो हमें नंबर दे रहा था, लेकिन बीच में ही वो बोला कहता आप नंबर मत लो मेरे से, और मैं आपको है ना अपना अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, अकाउंट नंबर में आप मेरे को पैसे भेज देना है, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना बैंक टू बैंक। वो फिर बंदा हम पे ना वो ऐसा काकू पे ना गुस्सा होने लगा, एग्रेशन हो रहा था, एग्रेशन आ रहा था उसको, सामने से हाथ के हाथ मेरे को बोलते ही वो काम कर क्यों नहीं रहे जो मैं बोल रहा हूँ इनको। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं अंदर जाके एक बार, मतलब जैसे ये है कि भाई फोन खोल के तो चेक करूंगा कि क्या है क्या नहीं, कहता पहले अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया आप बार बार मेरी बेइज्जती करवाओगे, ये करवाओगे, कहते आपको नहीं लेना तो मतलब, मैंने कहा इतने गर्मी क्यों खा रहा है भाई, नॉर्मली बोल रहा काकू ने, छूटते ये बोला कि एक बात बताओ, हम दुकान के बाहर खड़े होकर किसी को पे कर दे, मैंने कहा हम दुकान के बाहर खड़े होकर पे कर दे उस बंदे को, और वो अंदर जाके बोले कि आपने किसको पे कर दिया, मैंने तो मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। ये भी बात हमने ना इतने डरते डरते बोली, कभी हमारे हाथ से वो 15,000 सस्ता फोन ना चला जाए, इतने डरते हुए बोली थी हमने ये। अब हम बात कर रहे थे, हमने उस बंदे को कुछ ट्रांसफर नहीं किया, हम बात कर रहे थे अंदर जाके शॉप वाले के साथ, शॉप वाला हमें कहता आप जानते हो ने, हमने वही बोला था पहले कि हाँ हमारे फ्रेंड के वो है उन्होंने, अब शॉप वाले ने भी शक नहीं किया। फिर शॉप वाला बोलता, फिर मैंने धीरे धीरे पूछा ऐसे, मैंने कहा क्योंकि उस बंदे ने बोला था कि शॉप वाला सारा सामान वहीं से उठाता, क्या बोलते हैं होलसेलर बोलते ना, फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं धीरे धीरे ऐसे, मैंने कहा आप भी तो सारा सामान उन्हीं से लेते हो ना, हाँ आप भी तो सारा सामान वहां से लेते हो ना, यूं बैठा कहता। वो दुकान वाला बहुत समझदार था, बड़े थे काफी समझदार, कहते नहीं नहीं इतना सा बोल, उसने नहीं नहीं बोला बस, मैंने कहा ये नहीं लेता सामान वहां से काकू। फिर हमने उससे डिटेल, फिर हमारे पास उस बंदे के कंटिन्यूअसली, वो जो रजनीश था बीच में उसके कंटिन्यूअसली फोन आ रहे, हमने उसको डायरेक्ट इग्नोर करके सारी बात छोड़ के हमने दुकान वाले भैया से बात की, हम डायरेक्टली भी नहीं बात कर रहे थे, धीरे धीरे दुकान वाले भी डायरेक्टली नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे कर रहा हूँ बात ना। फिर हम ऐसे, मैंने कहा अच्छा आप वहां से सामान लेते, सामान नहीं लेते, कहते नहीं। फिर वो हमसे दोबारा पूछता आप जानते हो ना उसे, हम अब क्या मना करें कि नहीं जानते हम ऐसे। फिर हमने ना ये नहीं बोला कि हाँ जानते, फिर हम ऐसे करके आए, फिर मैंने बोला, मैंने कहा आप भी तो जानते हो ना भाई, दुकान वाले ने बोला नहीं, मैंने पूछा आप भी तो जानते हो ना, दुकान वाले ने बोला नहीं, और फिर मैं काकू की तरफ, काकू मेरी तरफ, मैं फिर हमने बोला अंकल को, मैंने कहा आपकी उनसे क्या बात हुई, मतलब क्या क्या नहीं, कहता उसने तो मेरे को बोला है कि है ना मैं ना मेरे को एक फोन लेना है, और है ना मेरे भाई वगैरह आएगा उसके लिए लेना है, और आप है ना उससे ना पैसे वैसे मत मांगना, पैसे मैं आपको दूंगा और आप उन्हें सिर्फ फोन दोगे, आप उनसे कुछ पैसों की बात ही नहीं करोगे। मैंने कहा अच्छा, तब तक भी कुछ बांधा नहीं फूटा था भाई, तब तक भी नहीं फूटा। मैंने डरते डरते उनसे पूछा, मैंने कहा तो अब मेरे को घबराहट भी हो रही थी, मैंने कहा कि वो यार इतने टाइम से काम खोल के बैठे हुए, मैंने कहा अच्छा लगे ना लगे आपस में रिटेलर होलसेलर है भाई आफ्टर ऑल, उसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपकी कितने में बात हुई, इतना ऐसे ही बोला मैंने, हमने उसे बिल्कुल दबी दबी आवाज में पूछा कि आपकी कितने में बात हुई, तो वो बोलता है कहता आपके कितने में, वो हमें बोलता है आपकी कितने में, मैंने कहा फिर, मैंने कहा आप तो बताओ आपके कितने में, हम ऐसे, पता है उसने क्या कहा, उसने कहा 1,15,000 रुपए में मेरी उससे बात हुई है, 1,15,000। और हम जो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे करके देख रहे हैं भाई साहब, समझ में आ गया भाई वो तो फ्रॉड है, उसका तो भांडा फूट चुका है बस, ऐसे होगा भांडा फूटा। तो फिर दुकान वाले ने हमसे वापस पूछा कि आपको कितना रेट बोला, आपको आपकी कितने में बात हुई है उससे। फिर हमने बोला कि ना 70 कह रही हूँ मैं, 80 से 85 के बीच में बात हुई है भैया हमारी। तो फिर कहता, उसने बोला कह रहे ये जो खरीद है ना हमें भी नहीं पड़ती 80,000 रुपए की। पूछा कि मैंने कहा भाई आप फिर उसे कैसे जानते हो, अब ये भी सुनना, हमने पूछा आप कैसे जानते हो। फिर उसने बोला कि थोड़े टाइम पहले, अभी 5-10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया, फोन आया एक नंबर से ऐसे ही। उसने बोला कि भाई मेरे ना नोन ऐसे फोन वोन लेने के लिए आ रहे हैं दुकान पे, आपको उनसे पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं करना,
हाँ, और उसने ये भी बात की कि फोन भाई आपको तब देना जब मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उस दुकान वाले को भी शक हो कि हम लोग फ्रॉड है, क्यों फिजिकली हम वहाँ पे उसके सामने खड़े हैं, जैसे ऑनलाइन उसके पास मतलब, पैसे आएंगे वो हमें फोन दे देगा। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों चीजों के बीच में गेम वो खेल रहा है और फंसा हम दोनों को, मतलब दुकान वाले भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं, लेकिन वो जो बंदा है वो दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रहा है कि सारी बातें आपस में लग रही है कि हाँ भाई मैच हो रहा है सब कुछ, तू सा भी शक नहीं पैदा होने दे रहा इतना सा भी। हाँ। दुकान वाले ने बोला कि मैंने पूछा उस रजनीश से कि भाई आप कौन हो, फोटो वोटो तो भेजो दिखाओ, तो कहता आपको क्या मतलब है मेरी वो फोटो बंदा से। कहता आपको क्या मतलब है, कहता मैं पैसे दे रहा हूँ ना, देख रहा अपने होलसेलर से लोग आजकल कैसे बातें करते हैं कहता मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, आपको क्या मतलब है, सीधा ही बोला। अब दुकान वाले की भी भाई सही है, दुकान वाले से थोड़ी ना वो कुछ पैसे ले रहा है, उसने दुकान वाले से अकाउंट नंबर मांगा, बस अपना अकाउंट नंबर दे दो मेरे को पैसे डलवाने, उसके कौन सा पैसे। तो दुकान वाला है ना, अब जब हमारी सारी बात दुकान वाले से भी क्लियर होगी ना, तो दुकान वाला यही बोला कि जब आप बाहर जा जाके बार बार बात कर रहे थे ना, तो हम दोनों हम चार आपस में यही बात कर रहे थे, अंदर तीन चार लोग थे आपस में यही कहते यही बात कर रहे थे कि इनके साथ इनके वो या तो बंदा जो दे रहा है ना इनको फोन, या तो वो 2-2.5 हजार रूपए अपने ऊपर बना रहा है, या फिर वो इनके साथ स्कैम कर रहा है, कुछ हो रहा है इनके साथ। हमने जब उसको बाद में जाके सारी बात अंदर क्लियर करी ना, उसने बोला आप गलती से भी अगर उसको पैसे दे देते ना, कहता आपकी और हमारी तो यहाँ पे अंदर भैंस चलती रहती है, और कहता आपके वो पैसे जो है ना मिट्टी हो जाते लिटरली, उसका कोई फायदा नहीं। चार पांच बार यही वर्ड यूज करके मिट्टी हो जाता है आपके पैसे, कुछ नहीं होता, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगता ना, आप उसको कुछ बोल। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी अब मैं बता, मेरे को ध्यान आया, अब आप कनेक्ट करो जो हमारे डिलीट फॉर एवरीवन मैसेजेस थे ना, वो जो बारी बारी मतलब की पुणे के एरिया में ना, उस ओएलएक्स वाले ने एक दो दुकान वाले से बात की होगी कि भाई मेरा भाई भाई ऐसा आ रहा है, जो स्टोरी बनाती तो जो दुकान वाले मना कर रहे होंगे, नहीं पहले मान गया होगा भाई वो दुकान वाला, तभी उसने हमें मैसेज भेजा होगा वो लोकेशन का। लेकिन जैसे बाकी जैसे इस दुकान वाले ने उससे उसकी डिटेल्स मांगी और उसने मना कर दिया, तो बाकी दुकान वालों ने भी उसको मना कर दिया होगा कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं दे सकते। तो ऐसे ही सेम एक दुकान वाले से पूछा, उसने फाइनल हो गया, लोकेशन भेज दी उसने हमें, फिर उस दुकान वाले ने मना कर दिया, उसने लोकेशन डिलीट कर दी, फिर दूसरे दुकान वाले से पूछा, उसने हाँ भर दिया, उसने लोकेशन भेज दी, फिर जब दुकान वाले ने उसे डिटेल मांगी उसने मना कर दिया। तो लास्ट में जो तीसरा बंदा था ना, जो उसने हमें फाइनल लोकेशन की कि भाई मना वना तो नहीं कर दोगे, तो वो मान गए होंगे, इस चक्कर में उसने हमें वो लोकेशन भेजे रखी। फिर हम M2 के वापिस से आए, वहाँ पे आके फिर हमने सोचा सब मोह माया है, छोड़ो नया ही फोन लेते हैं, पैसे एक बार ही लग जाएंगे लेकिन ऐसे स्कैम से बच जाएंगे। फिर हम M2 के आए, वहाँ पे थोड़ी दोबारा से एक दो जगह देखा जो जहाँ पे हम पिछली वाली रात को देख के गए थे, फिर वहाँ पे हमें जो सा जिस जगह सबसे कम रेट में मिला, सही मिला नहीं मिला, वो ऑफर्स वगैरह के साथ सारी चीज कर हम फिर लेके फिर आ गए। और फिर अगले दिन हम आए, उसके बाद फिर फोन में हमने सारा डाटा ट्रांसफर कर लिया और सारी चीजें सॉर्ट हो गई। अब उसके बाद फोन तो ले लिया, अब भाई फोन को चार्ज भी तो सैमसंग चार्जर नहीं देता, सैमसंग यार अपने फोनों के साथ चार्जर नहीं देता, अगले पूरे दिन तक मेरे को चार्जर मोटू का रखना पड़ा। नेक्स्ट डे गए थे हम चार्जर लेने के लिए, अब चार्जर की बताओ कि चार्जर लेने में हुआ क्या। चार्जर लेने हम गए, पहले हम सबसे पहले पहुंचे सैमसंग के सर्विस सेंटर पे, वहां पे हमने चार्जर पूछा, हमें सिर्फ अडेप्टर चाहिए था क्योंकि केबल सैमसंग देता है अपने फोन के साथ, तो केबल हमारे पास थी, अडेप्टर लेने गए, अडेप्टर हमें चाहिए था 45 वोल्ट का। उसने बोला कि ना आप यहीं पे सैमसंग का स्मार्ट कैफे वहां पे देख लो या फिर कहीं और देख लो, हम ना वगैरह पे पता कर लो, हम ना स्टोर से हम ना सर्विस सेंटर से बाहर निकले, ठीक है, हमने स्कूटी स्टार्ट की, स्कूटी ऑन नहीं हो रही, स्कूटी नहीं ऑन हुई हमारी, बहुत देर तक किक मारते रहे, सेल्फ स्टार्ट किया हमने, डेड हो गए बिल्कुल, जैसे स्कूटी में कुछ है ही नहीं, कुछ इतनी सी भी स्पार्क वाइब्रेशन कुछ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हुआ, फिर हमने ना किक मारी, ठीक है, किक मारी, बहुत देर तक किक मारने पे भी स्टार्ट नहीं हुई, नहीं हुआ कुछ, फिर थोड़ी देर बाद वापस ज्यादा जबरदस्ती कर ली ना जब हमने स्कूटी के साथ, तो बेचारी मुश्किल से हाथ जोड़ के हमारे आगे ऑन हो गई, ऑन हुई। फिर हम गए, हमने पूछा था पंजाबी बाग में हमने क्रोमा है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट से कुछ नया खुला है, गुगड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसा बड़ा बड़ा दिख रहा था, क्रोमा विजय सेल्स फलाना ढिमकाना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे ना, बड़े थे छोटे थे सब पे, उन पे सब पे 25 वोल्ट 45 वोल्ट आउट ऑफ स्टॉक सीधा। हम आ गए, फिर हम ढूंढने लगे वो स्मार्ट कैफे जो उन्होंने बताया था सैमसंग का, वो भी हमें कहीं नहीं, वो बंद था, एक जगह जहाँ पे हमें वो मिला वो बंद था, घर जा रहे थे थक हार के परेशान होकर, फिर हमने सोचा नहीं यार एक बार ना फ्लाई ओवर तो है ही सामने, चलो चढ़ ही जाते हैं इस पे, चलते हैं अपना रोहिणी एक बार देख के आते हैं, चलो चार्जर वार्जर लेकर था, रोहिणी पहुंच गया हम। अब ये देखो स्कूटी वहां पे बंद हुई थी, अब हम क्रोमा पे, विजय सेल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट पे, फलाना ढिमकाना, छोटी मोटी दुकानों पे जितने में भी रुके हैं ना, स्कूटी बंद हुई है, सेल्स स्टार्ट हुई नहीं है, किक मार मार के जो बुरा हाल हुआ है, क्योंकि वो यूजुअली एक किक में स्टार्ट हो जाती है, वो हो ही नहीं रही, पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया, आगे बताएंगे क्या हुआ था।
वो एक इंडिकेशन थी हमारे लिए, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर अब हम रोहिणी के, हमने सोचा जहाँ से फोन लिया है वहीं से हम अब चार्जर भी ले ही लेते हैं। आखिर वहां पे गए हम पहुंच गए फिर तो जितने भी हमने M2 के रोहिणी के अंदर शॉप्स पता की, सबके पास आउट ऑफ स्टॉक वो चार्जर। अब यार ये इतने ना बहुत ज्यादा हम लूटने वाली मार्केट है वो, सच्ची मेरे को कभी कभी लगता है। हम फर्स्ट शॉप पे गए थे, वहां पे क्रोमा के साइड में शॉप है, हम वहां पे गए थे, उसमें हमने चार्जर पूछा 3,000 का सर्विस सेंटर पे चार्जर, वो 3,500 रुपए का, वो क्या मतलब है भाई 3,500 का देने। फिर हम क्रोमा में गए और उसके बाद वहां पे भी नहीं था, फिर हमने और दुकानों पे पूछा। एक दुकान पे हमें मिला था, उन्होंने बोला कि हाँ भाई चार्जर है, लेकिन वो व्हाइट कलर में था, व्हाइट कलर में था और ऊपर से वो केबल भी नहीं दे रहे थे उसके साथ। रोहिणी के अंदर ही वहाँ पे सैमसंग का सर्विस सेंटर है, M2K में रोड क्रॉस करके सैमसंग का सर्विस सेंटर है सामने, M2K में नहीं M2K के बाहर रोड क्रॉस करके सामने सर्विस सेंटर। लिफ्ट में गए, टाउन टाउन बटन दबाया, ऊपर गए वो, फिर उसमें ना बाहर निकले लिफ्ट से, जैसे ही अंदर गए ना सर्विस सेंटर में सारे हमें देख रहे हैं ऐसे करके। आगे अंदर जाके मतलब एंट्री लेके इधर जाना था, एंट्री लेके इधर जा ही रहे थे, पहले ही टोक दिया, हाँ क्या चाहिए, अरे आने थे तो अंदर, अंदर गए क्या चाहिए, रुको जरा सबर करो भैया, ऐसे ऐसे चार्ज नहीं है बोले भैया, चार्जर बोला छूटते नहीं है, 45 वोल्ट नहीं है, नहीं मैं ऐसी क्या इसकी शॉर्टेज हो रही है पूरी दिल्ली में। फिर वापस फिर उसके बाद वापस आते हुए दो दो आते दो जगह कहा काकू नीचे उतरे बाहू किक मारी हमने स्कूटी में परेशान कर दिया। उसी लेन में क्रोमा और विजय सेल्स पड़ता है सर्विस सेंटर वाली में, सर्विस सेंटर वाली में, तो हमने वहाँ पे पता किया उनके पास भी नहीं, वो कह रहे भाई ये आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। ने बोला हम किक नहीं मारे, बोला ठीक है स्कूटी ऑन रखो यही बैठे रहो, यही बैठे रहो। तो मैं इसको बाहर छोड़ के गया, मैंने कहा इसके अंदर मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगा बार बार सबके आगे किक मार मार के, कोई पहचान गया ना, कोई पहचान गया ना, ये इतने सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर है और एक किक मार मार के स्कूटी चला रहे, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा बाहर बैठो 2 मिनट, मैंने कहा भी आया मैं, फिर मैं जल्दी से अंदर गया पता करके आया 2 मिनट में, सबने मना कर दिया। तो मैंने मोटे ने बोला कि चलो अब घर चलें, रहने तो हमारे पास वैसे भी पैसे भी खत्म हो गए, घर चलते हैं। मैंने बोला पता है क्या कुछ भी हो जाए चार्जर तो लेके जाऊंगा, क्योंकि काकू फिर मेरा चार्जर यूज करता था, मेरे को भी तो यूज करता है, इतनी जल्दी बैटरी चल जाती है। मैं हम वापस उसी वाले सर्विस सेंटर पे गए जहाँ पे हमें पहले मिला था। जाम इतना जाम, लोग अपनी स्कूटी बाइक के गाड़ियां बंद कर रहे हैं, जाम इतना हो रहा है, हम बंद नहीं कर सकते, फ्लाईओवर पे ऐसे खड़े, हम यहाँ पे फ्लाईओवर पे ब्रेक मार के खड़े। मैं कहा कक्कू इतना जाम हो रहा है, मैं स्कूटी बंद कर दे, नहीं मोटे यहाँ पे चढ़ान पे ना ढलान पे से ढलान कैसे मारूंगा ढलान पे, इतना मैंने बोला, मैंने कहा चलो चलते। फिर जब हम फाइनली वहां पे पहुंच गए तो वहां पे जाके उसके बाद भी मतलब इतना ट्रेजेडिक डे था, कैसा था मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ यार, तो वहां पे गए हम, वहां पे जाके हमने बोला मेरे को अपना वही वाला चार्जर वही वाला दे दो, कहता पहले तो हमें लगा कलर नहीं है, फिर काकू ने बोला नहीं ब्लैक कलर है, मेरे को ब्लैक कलर है, मैंने देखा, मैंने कहा आराम से बैठो, हमने देखा, कहता ये तो ना 3000 वाला नहीं है, तो महंगा है थोड़ा सा, हमने कहा कौन सा वाला है 3000 वाला, उसने देखा नहीं मिला उसको, फिर कहता ये 3500 वाला, मैंने कहा 500 रुपए और लगेंगे, इसने मेरे को सीधा मना कर दिया चार्जर ही नहीं लेना। कोई नहीं, पापा का चार्जर रखा है, उससे चार्ज कर लेना, जब तक आएंगे तब देखना। बारी बारी इतना इधर उधर घूम रहे पेट्रोल पे, मैंने कहा काकू अब ना रोहिणी चले दोबारा से, पापा शॉप पे 3000 वाला देखा था वही चले, मैंने सीधा मना कर दिया, मैंने कहा इतना 500 रुपए लगने दो, 500 रुपए लगने दो, मेरा दिमाग खराब नहीं करना। तो जो 3500 वाला बॉक्स था ना वो ये था, ठीक है, इसमें ना भैया को लगा कि उन्होंने हमें समझाया कि महंगा क्यों उनको लगा, इसमें दो अडैप्टर है। पूछा रीजन तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर है ना दो अडैप्टर, नहीं बोले थे, उसने बोला था कि ये जो चार्जर है ना ये स्पेशल है, शायद इसके अंदर है ना आजकल C2C टाइप वाले आ रहे हैं, जैसे चार्जर में ये भी C टाइप है और ये भी C टाइप है, ठीक है। उसने बोला कह रहा ये USB वाला भी है इसके अंदर, मतलब इसी में यहाँ पे C टाइप वाला भी होगा और यहाँ पे वो वाला भी होगा, USB वाला भी होगा। हमने सोचा लोकल, यूजुअली मतलब यार लोकल कंपनीज के आते हैं ऐसे चार्जर, तो हमने सोचा कि यार ये सैमसंग में मिल रहा तो बढ़िया है, फिर तो ऐसी चीज, फिर हमने ले लिए 3500 ले लिया। उन्होंने डब्बा, हमने उन्होंने बोला कह रहे दे दे, हमने जैसे ही दे दे बोला ना, उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए ब्लेड मार के खोलने में इसकी सील। फिर उसके बाद ना वो अब उसमें से चार्जर निकला, चार्जर ये निकला जिसमें सिर्फ ये एक ही है सी टाइप का। अब भैया की वो शक्ल देख रहे ऐसे राजू की तरह यू करके, भैया हमारी शक्ल देखे हम उनकी शक्ल देखे, हमने बोला भैया आपने तो ये बताया था इसमें ये है। वो कहते कि शायद ना इसकी वायर बड़ी है, देखो इसकी वायर है, इसकी वायर सच्ची में बड़ी है, ये वायर है इसकी इतनी बड़ी वायर। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया फिर अब तो इसमें से वो भी नहीं निकला दो वाला, मैंने कहा कुछ कम नहीं होगा, मेरे को हंस के कहते नहीं होगा, कहते फिर भी उनको हम पे थोड़ी दया आ गई, हमारे इतने गंदे मुंह लग रहे थे, वैसे हम बेचारे से बच्चे लग रहे थे। तो उन्होंने बोला चलो मैं कॉल करके एक बार अपने सीनियर से पूछता हूँ, अगर कुछ कम हो सकता है तो मैं ना
सीनियर यही खुराफाती आइडिया आते हैं इसके दिमाग। इसने बोला कि मेरे को है ना, आप ये बोलना सीनियर को, ये बोलना कि है ना मैंने कस्टमर को बताया था कि ऐसे ऐसे निकलेगा, चार्जर में यूएसबी भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगा, तो है ना वो है ना कस्टमर हम मेरे से लड़ रहा है। ये भी बोल देना कस्टमर तो लड़की है, लड़ रही है मेरे से, मैं क्या करूं। ज्यादा करे तो वीडियो भी दिखा दे लो। वो भी हंसने लग गए, हंसने लग गए। बोला था फिर जब हम बिलिंग कराने गए ना, तो उन्होंने पीछे से आके बोला, कहता हाँ आप इनको है ना 200-300 रुपए सस्ता दे दो। 3500 का था, कहते 33 का। काकू मेरे को बोल रहा वो 233 का। मैंने कहा क्या 33 का, कहता कुछ नहीं। फिर मेरे को आया, मेरे को 33 था, 3300 का हो गया। मैंने कहा वो 200 रुपए बच गए, कुछ हफ्ते में घर पे कुछ खा के जाएंगे, पैसे बच गए थोड़े से। तो मैंने मेरे मसाजी से कल जो 20,000 लिए थे, 20,000 रुपीज लेते फोन के लिए, अब मैं उनकी ना आज एनिवर्सरी थी, मैंने कहा आज उनकी एनिवर्सरी है तो ना उनको ना 20,000 रुपीज पे कर दो। बोलो मोसाजी मैंने आपको 20,000 रुपए अकाउंट में डलवा दिया आपकी एनिवर्सरी के लिए। और उन्हीं के पैसे उन्हीं के पैसे मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो इतने बिल बन रहा है इतने, मैं उनके भी पैसे उनको पे कर देता हूँ और बोल दूंगा। तो जैसे ही मैं उनको पैसे पे करने लगा ना, उस पे दिखाया कि आप पैसे पे नहीं कर सकते। अब मैं कंफ्यूज कि ये क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर ट्राई किया, तो मैंने नीचे जो लिख रखा था ना उन्होंने मैसेज के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप 48 आवर्स तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी बंदे को पैसे पे नहीं कर सकते। अगर आपने अपना मतलब पेटीएम वगैरह और सिम चेंज किया ना, दूसरे फोन में सिम वगैरह डाली है, पहले मोसेजी से कॉल करके बोला उनको, के बोला कि ना अरे वो अपना अकाउंट नंबर भेज दो। तो हमने सोचा कि जब मोसेजी को पे नहीं हो रहे तो चार्जर वालों को कैसे देंगे हम ये पैसे। तो फिर ना, तो फिर 2 मिनट बाद हमने फिर से कॉल करा। अब मैंने बोला कि उनको लगेगा कि ना ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि उनको 20,000 रिसीव हुए नहीं हुए। लेकिन मोसाजी को मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा मोसाजी बोलते कहते हाँ हाँ कर दिए पे। मैंने कहा नहीं मोसाजी आप और पे कर दो अभी 3,300 रुपए हमें झटका लग गया होगा भाई सच्ची में हमारे साथ ना क्या हो गया। वो सोच रहे होंगे मेरे पैसे आने थे उल्टा और ये पैसे जा और रहे। तो लेकिन मोसाजी का नेचर सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा है। मोसाजी ने हमें हाथ के हाथ बोला कि अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे तो बाद में पे कर देना, अभी बताओ कितने पे करने हैं वापस। उन्होंने पूछा कि अरे फोन वगैरह ले लिया था। उनको पूरा किस्सा नहीं बताया, वो वीडियो में देख लेंगे अपने आप। सर्विस सेंटर से हम बाहर निकले, स्कूटी स्टार्ट की। भाई साहब स्कूटी में आप मानोगे, स्कूटी ऐसी नई स्कूटी की तरह किक मारने की जरूरत, पैर लगाने की जरूरत थी कि तुम बस अंगूठा लगा दो मैं अपने आप स्टार्ट हो जाऊंगी। भाई सेल्फ स्टार्ट उसी सर्विस सेंटर पे वो खराब हुई और वहीं पे वो चालू हुई वहां पे आने के बाद किसी रीजन के। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इंडिकेशन था कि बोलना चाह रही थी यहाँ से जाओ मत भाई यहीं से ले लो क्यों उधर जगह चक्कर मार। वैसे हमारे पास आज भी ना वो मोमोज वाली वीडियो हमने एडिट कर दी थी, डाल सकते थे, लेकिन हमें लगा कि ये वाला इंसिडेंट बताना जरूरी है क्योंकि कई लोगों के साथ स्कैम हो सकते हैं जो हमारी तरह भाई यू सोचे कि थोड़े बहुत पैसे बचा ले। तो थोड़े बहुत बचा ले सोचता ही है यार वो कि बचा ले क्योंकि आगे का भी देखना है ना अभी। तो ये है कि हाँ हमारे पास ना कुछ ऐसी वीडियोस तो नहीं है, लेकिन ये है। और काकू ने फोन चेंज किया तो व्हाट्सएप का भी चैट वैट नहीं है, लेकिन उस बंदे की OLX की आईडी है, OLX की चैट है और नंबर है, वो हम मेंशन कर देंगे। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ OLX पे भी उस बंदे को जाके आप रिपोर्ट करना अगर हो सके तो, और हम भी उसको रिपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा, आप तारक मेहता देखते हो ना सारे, आपने देखा था ना भीड़े के साथ वो ऑनलाइन कैसे स्कैम हुआ था, वो बंदा वहीं बैठा होता लंदन से पैसे आ रहे थे, तो ऐसे ही कुछ है। तो जितना हो सके ना ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना, या नहीं भी शेयर करो ना तो अपने जितनों ने भी ये वीडियो देखी आप लोगों में, आप ये किसी के साथ शेयर ना करो तो उनको बताना जरूर, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट हम भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हम पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। और सिर्फ ये स्कैम नहीं, हमारे साथ ना ईमेल स्कैम भी बहुत बारी होते होते रह गए, जिसपे पूरा यूट्यूब का चैनल दाव पे लगा हुआ है, वो स्कैम भी होते होते रह गए। और हम घर से बोल के निकले थे कि भगवान जी अगर कुछ भी हमारे साथ गलत होने वाला हो ना तो उसको पहले ही आप बचा लेना, होने से बचा लेना। वो माथा टेक के गए थे कि भाई कुछ भी ऐसा हमारे साथ होने वाला हो फ्रॉड हो, क्योंकि हल्का फुल्का तो खुद भी लग रहा था, तो आप बस देख लेना, बस ऐसा कुछ ना हो कि हमारी जो एक होता है ना मेहनत की कमाई वो पूरी दाव पे लग जाए। और उन्होंने बचा लिया और हमेशा हमको ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम्स में से ऐसे ऐसे जिगजैग करके बस निकाल देते, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। तो इस चीज के लिए थैंक यू सर झुका के। तो ये कि आप प्लीज स्कैम से बच के रहना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
और रोहिणी में ना हम इतने चक्कर लगे हमारे, तो वहां पे हमने एक प्लेटर देखा, बहुत मस्त प्लेटर था भाई। हम जरूर आपको लेके आएंगे, तब हम बहुत ज्यादा थके हुए थे ना, तो मन नहीं कर रहा यार, और पूरे मुंह आते ना ऐसे हो रहे थे धूल मिट्टी, पर हमने खाया वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, तो उसकी वीडियो बनाएंगे। वहीं पे हमने रोस्ट भी पी थी और मस्खबन भी खाए थे, कितना टेस्टी था। तो ये वीडियो एडिट के बाद से तो मेरा ऐसा मन कर रहा, मैं उससे ये पूछ लूं, मैंने कहा भैया ये रोस्टी का जो पैकेट है कुछ बताओ क्या कितने का आएगा, मैं तो बार बार तो नहीं आ सकते रोहिणी चाय पीने, खुश हो जाता रोस्ट, उसके बाद ऐसे ब्लश आ जाते, रोस्ट भी नहीं है। बाय 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 बाय, मेरे को दिखाया नहीं। वीडियो शूट करके हम अभी फ्री हुए हैं, और इसको देखो, एक बात हमें याद आई हमारे साथ क्या हुई थी, जब हमने किशु को बताया, निखिल का भाई किशु को हमने बताया कि भाई हमें ना 3000 रुपए देके 3000 में घड़ी मिल रही है, 3000 और एक्स्ट्रा देके 3000 रुपए और ऊपर देके घड़ी मिल रही है, तो यू बोलता है अरे भैया मेरे से भी 3000 रुपए ले लो, एक बार घड़ी लिया ना बोल के। तो अब किशु की बात याद आई, वो कहता कि भैया मेरे से भी 3000 रुपए फालतू ले लो, घड़ी लेना। जब हम स्कूटी से वापस आ रहे थे ना, पूरे टाइम हमें हंसी आ रही थी, सोचा कि अगर 3000 रुपए मान लो हमारे साथ ये स्कैम हो गया होता, तो 3000 तो हम इसके भी दे रहे थे घड़ी के, तो 3000 बैठ जाता बहुत बुरे तरीके से। इसको बोलते 3000 रुपए अब तू हमें दे, मैं उसे 3 साल तक गाली बकता हूँ। बढ़िया था। तो यार ये उस बंदे का नंबर जो हमने WhatsApp से ब्लॉक कर दिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ S22 Ultra के साथ स्कैम कर सकते, इसने बहुत सारे फोन और भी डाले हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ यमुनानगर या रोहिणी नहीं, इसने और भी कई सारी लोकेशंस डाली हुई है जो आपके घर के पास हो सकती है, तो आप भी ऐसे स्कैम से बच के रहना।